नमस्कार दोस्तों, आज 19/12/2020 आज रविवार है और इस मौके पर रविवार के दिन दो टाइम से दिवाली संडे को आज छठ पूजा हमारे घर के पास वहाँ पर छठ पूजा होती है। छठ पूजा पूर्वांचल की बहुत ही पूर्वांचल में बिहार का जो स्थान हो जाता है और फिर भी उत्तर प्रदेश का कहा जाता है, वो छठ पूजा की बहुत सारी मनाई जाती है। इसमें आज उसकी सूरज को अर्घ दिया जाता है जिसको जाती है और जिसमें सब सरस्वती जमा होते हैं जो कि बहुत ही बड़ा उपवास है। अनाज सब देखिए शिवाजी तलाव के किनारे कृष्ण तलाव में अर्घ देने के लिए जमा हुए हैं और मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। जगह बहुत कम है, हवा आगे काफ़ी है, ऐसा लगता है कि जैसे पूर्वांचल के जैसे शहर में पहुँच गए हैं, जिले में पहुँच गए हैं, गाँव में पहुँच गए हैं। सब लोग अपने अपने ट्रेडिशनल कपड़े में गन्ने लेके फल लेके फूल लेके सब अपना अपना सजा के बैठे हुए हैं। देखिए आओ है रावली में आओ, आने के लिए आपको ले आया, आप देखिए आने लीजिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, यहाँ पे सब जमा हुए हैं, बाहर बैठे हैं, सब प्रोग्राम चल रहा है, सब लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है और श्रद्धा है। अपने प्रदेश से दूर रहते अपने संस्कार को अपने संस्कृति से जो देख के बहुत अच्छा लगा, कुछ भी देखा और कुछ अच्छा आपको भी देखा, इसलिए मैंने तो आप देखिए और इसका आनंद लीजिए। आवाज आ रहा है, बताए थे करो आई देखते रहे वहाँ ना लेस पाबू, यही क्यों का थो हम कह दर लेस देंगे। आवा तब आगे धीरे धीरे आवा चल जगह पाई हो दादा।
आधा मैंने डाल दिया। आ रहा हूँ। जो है वो जैसा कुछ नहीं रहे।
Thank you.
वादा था, इनकी जो जान करके हम लोगों ने उनकी अच्छे अच्छे भजन सुनाए थे। मित्रों, हम लोगों के बीच में हमारे गुरु श्रीनिवास त्रिपाठी जी यहाँ पे उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे मुंबई के नगर सेवक भी हैं और हमारे पोई में रहते हैं। मित्रों, जब हमने राजनीति की शुरुआत की उस समय गुरु जी का अंगली पकड़ के और हम लोगों ने राजनीति में प्रवेश किया और आज जो हम लोग यहाँ पहुंचे हैं उसमें गुरु जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि गुरु जी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए और गुरु जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए। उसी प्रकार हमारे बीच में ईशान्य मुंबई जिला के उपाध्यक्ष बड़े भाई लाल बहादुर यादव जी यहाँ उपस्थित है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए। हमारे बीच में सदानंद मिश्र जी जो हम लोगों के अग्रज हैं, जिन्होंने इस भांडुप में राम कथा की शुरुआत की, ऐसे हमारे सदानंद मिश्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाचा जी से आग्रह करूंगा कि आप आए। मित्रों, बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे खुद के चाचा जी सूर्य नारायण शर्मा जी जो घाटकोपर में रहते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीबीआई में काम है चाचा जी का, तो मैं चाचा जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए चाचा जी। उसी प्रकार हमारे बीच में रत्न प्रकाश श्रीवास्तव जी जो हमारे मुंबई में प्राचीन योग गुरु हैं, योगा के गुरु हैं और प्रोफेसर भी हैं, मैं सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा वो भी मंच पे आए। और हमारे बीच में हमारे मित्र भैया अमरजीत सिंह जी यहाँ पे उपस्थित है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप आए। मेरे मित्र सुनील अग्रवाल जी जो हर समय मेरे साथ छाया के जैसे रहते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो सुनील अग्रवाल जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ। और हमारे संदेश फाउंडेशन के सभी मित्र आए और सभी लोगों का सत्कार करें, एक एक गमछा और एक एक सूर्य भगवान की प्रतिमा देकर सभी लोग हमारे मेहमानों का यहाँ पे सत्कार करें। एक एक गमछा गमछा गमछा